कर्म के साथ ध्यान जोड़ दिया। आप ये मत सोचना मैं कोई प्रवचन दे रहा हूँ, मैं ध्यान सिखा रहा हूँ आपको, ये ध्यान करने का विज्ञान सिखा रहा हूँ आपको कि 24 घंटे आप सुखासन या पद्मासन में बैठकर एक स्थान पर बैठकर संजीवनी क्रिया तो कर नहीं सकते, ना ध्यान की अन्य क्रिया का अभ्यास कर सकते हो। डॉक्टर साहब को डॉक्टरी करने जाना पड़ेगा, चित्रकार को चित्र बनाने जाना पड़ेगा, मूर्तिकार को मूर्ति बनानी पड़ेगी, दफ्तर में काम करने वाले को दफ्तर का काम करना पड़ेगा, बिजनेस वाले को अपने ऑफिस जाना पड़ेगा। लेकिन जिस समय जिस काम में लगे हैं उस समय पूरी ऊर्जा उसी काम में लगाने की चेष्टा कर सकते हैं, वही ध्यान है, फिर वो कर्म योग बन जाता है। और कर्म योग बना नहीं कि कर्म के साथ ध्यान जुड़ा, कर्म के साथ ध्यान जुड़ा तो जहाँ है वहीं साधना चल रही है, इस साधना को साधो। अभी एक मित्र ने मुझसे कहा कि गुरुदेव आपकी उपस्थिति में ध्यान का अभ्यास करने में बहुत आनंद आता है, और मैं भी जानता हूँ मेरी उपस्थिति में ध्यान का अभ्यास करोगे तो अनंत गुना शक्ति आपको अनुभव होगी और आप गहरे ध्यान में डूबोगे, इसलिए इस समय मुझे सुनना ही आपका ध्यान है। जिस सद्गुरु ने परम आनंद का स्वाद ले लिया है, आप उसको बोलते हुए उसको सुनते हुए उसको देखते हुए अगर एकाग्र चित्त से बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपको उसे सुनना ही ध्यान में डूबना बन जाएगा, ये मेरा अनुभव है। तो ध्यान में ही तो डूबा रहा हूँ समझो, और यहाँ से जाओ तो कर्म योग में कर्म को ही ध्यान बना लो। जहाँ जब कर रहे हो जो जीवन जी रहे हो उसमें कर्म ध्यान बन सकता है, और जब तुम पूरी ऊर्जा कर्म पर केंद्रित करते हो तो उस समय तुम मन के जाल से मुक्त। अगर तुम कर्म कर रहे हो यहाँ, यू आर हियर एंड योर माइंड इज देयर, इट मीन्स आपकी ऊर्जा मन के पास है। सारे अध्यात्म का प्राण क्या है, तुम मन से ऊपर उठो, गो बियॉन्ड माइंड। मन है क्या, व्हाट इज मन, मन इज माइंड। माइंड क्या है, इट इज फंक्शनिंग ऑफ अवर ब्रेन, और मन क्या है, विचारों का समूह, विचारों के समूह को कहते हैं मन। जैसे वृक्षों के समूह को कहते हैं वन, वैसे विचारों के समूह को कहते हैं मन। आप विचारों के समूह से घिरे हो, इसी को तो कहते हैं मन के जाल में उलझे हो, 24 घंटे विचार चलते रहते, तो इन विचारों से मुक्त होना, मन के पार चले जाना, बियॉन्ड माइंड हो जाना। इसीलिए संत कबीर जैसे सदगुरुओं ने कहा अमनी दशा को उपलब्ध होना, उन मनी यानी बियॉन्ड माइंड, उन मनी दशा को उपलब्ध होना परम आनंद को पा लेना है, स्टेट ऑफ नो माइंड को उपलब्ध होना। जब आपके माइंड के पास एनर्जी ना रहे, मन की मौत ही परमात्मा की प्राप्ति है, डेथ ऑफ माइंड। और डेथ ऑफ माइंड का क्या अर्थ है, जब आप विचार शून्य हो जाओ, जब सारी ऊर्जा आपकी किसी कर्म में केंद्रित हो गई, मन के पास कोई दूसरी चीज आप नहीं सोच रहे हो, तब आप मन से परे हो गए, अब आप सत्य में निष्ठ हो गए, सत्य में केंद्रित हो गए। एक बात कर्म योग के बारे में कही, दूसरा क्या है, हम कहते हैं ज्ञान योग, विचार योग, विचार करो विचार करो विचार करो, कितना भी विचार करते रहो तुम सत्य तक नहीं पहुंच सकते हो विचार के द्वारा। इसीलिए भारतवर्ष के ऋषियों ने फिलॉसफी को दर्शन शास्त्र कहा, और पश्चिम में लोगों ने दर्शन को फिलॉसफी कहा, तर्क शास्त्र कहा। फिलॉसफी का अर्थ है लव ऑफ विजडम यानी बुद्धि विलास। मेटाफिजिक्स के नाम पर, मेटाफिजिक्स यानी परम सत्य को जानने के विज्ञान के नाम पर पश्चिम में लोग तर्क वितर्क करते हैं और बुद्धि विलास करते हैं, बुद्धि के द्वारा सोच विचार के उस सत्य तक पहुंचना चाहते हैं। भारतवर्ष में हमने फिलॉसफी को कहा दर्शन, सोच विचार नहीं करना है, आँख बंद करना है, और आँख बंद करके दर्शन शास्त्र यानी देखने का विज्ञान है, आँख बंद करके देखना है। आँख बंद करके कैसे देखते हैं, हम आँख बंद कर लेते हैं, और साधना है कि विचारों से मुक्त हो जाए, विचार ही देखने नहीं देते। जब आँख बंद कर लेते हैं
विचारों से मुक्त होने की साधना करते हैं, जब विचार हट जाते हैं तो जो दिखाई पड़ता है, जो अनुभव में आता है, उस विचार शून्यता में ही सत्य का दर्शन होता है, सत्य दिखाई पड़ता है, जो आनंद के रूप में दिखाई पड़ता है, परमानंद के रूप में दिखाई पड़ता है। इसीलिए हमने कहा जो विचार हैं, विचार के साथ ध्यान जोड़ दो, यानी विचारों पर ध्यान केंद्रित करो। जैसे मैंने कहा था, आप बैठ जाओ, बाहर खड़े होकर विचारों पर ध्यान केंद्रित करो, बुद्धि पर ध्यान केंद्रित करो, जो जो विचार आ रहे उस पर ध्यान केंद्रित करो। अगर उस पर तुम ध्यान केंद्रित करोगे तो जैसे घूर के किसी को देखो तो अनचाहा आदमी भाग जाता है। जब तुम साक्षी होकर विचारों के ट्रैफिक को घूरने लगते हो, देखने लगते हो, तो मैंने कहा अंतराल पैदा होते हैं, गैप पैदा होते हैं। जब विचारों में गैप पैदा होने लगते हैं तो जो गैप पैदा होता है उसकी ऊर्जा साक्षी में चली जाती है। मैंने आपको बताया कि 10% ऊर्जा साक्षी में गई तो विचारों का गैप कम हुआ, और जितनी ऊर्जा जाने लगती है साक्षी में उतना विचार क्षीण होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। एक समय आता है कि विचार 90% कम हो गए, साक्षी 90% सशक्त हो गया। एक ऊर्जा आती है कि 99% ऊर्जा चली गई साक्षी देखने वाले के पास, अब विचार बच गए 1%। एक अवस्था आती है जब साक्षी देख रहा है और विचार दिखाई नहीं पड़ते। अब साक्षी विचारों को ही तो देख रहा है, अब विचार शून्य हो गए हैं तो अब साक्षी किसको देखेगा? जब विचार शून्य हो जाएंगे तो साक्षी स्वयं को देखने लगता है, क्योंकि देखने के लिए कोई विचार है ही नहीं। अब देखने वाला यानी दृष्टा, द सीयर बिकम्स द सीन, वो खुद ही दिखाई पड़ने लगता है। द सीयर बिकम्स द सीन, दृष्टा दृश्य बन जाता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था देखने का, विचार सारे छीण हो गए, और जब दृष्टा दृश्य बन जाता है तो अद्वैत की उपलब्धि होती है। हम ब्रह्मास्मि, वो मैं ही हूँ, एका माई जगत, अनेक से चले तीन में साक्षी की साधना तीन से शुरू हुई, और देखते देखते साक्षी सदा, तो दृष्टा को देखने के लिए कोई विचार बचा ही नहीं, और दृष्टा की दृष्टि आ गई दृष्टा के ऊपर ही। द सीयर बिकम्स द सीन, इसी को जय कृष्णमूर्ति ने बड़े प्रीतिकर शब्दों में कहा था, ऑब्जर्वर बिकम्स द ऑब्जर्व। अब कुछ बचता नहीं, देखने वाला ही स्वयं को देखता है, और जब तुम स्वयं को देखने लगते हो उसी को कहते हैं आत्मज्ञान, उसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार, उसी को कहते हैं परम आनंद की उपलब्धि। फिर उसमें जो अनुभव होता है वो आपको बता रहा हूँ, वही अनुभव जो मैंने कहा कि जब दृष्टा दृश्य बन जाता है तो लगता है कि सारा अस्तित्व तो एक है, और ये सारा अस्तित्व तो मेरे भीतर ही है, और ये चांद तारे जैसे इनको मैं ही चला रहा हूँ, जिनसे इनसे मेरा दोस्ताना हो गया है, मैत्री संबंध हो गया है, सारा जगत मैत्री संबंध से जुड़ जाता है, आपके शरीर का अंग बन जाता है। ऐसी अवस्था उपलब्ध होती है जिसको हम कहते हैं सत्य। लेकिन मैंने अब भी कहा कि ये केवल संकेत हैं, इशारे हैं अनुभव के। अनुभव करना है तो मेरी बात को मत मान लेना, पकड़ मत लेना। जिनसे मुक्त होने को कहा है उनसे तुम तभी मुक्त हो पाओगे जब तुम इसे अपना स्वयं का अनुभव बना लोगे। लेट इट बी योर ओन एक्सपीरियंस एंड इट कैन बी योर ओन एक्सपीरियंस। तो इसलिए जब आप विचार के साथ, ज्ञान के साथ ध्यान जोड़ देते हैं, विचार प्लस ध्यान, देन इट बिकम्स ज्ञान योग, अन्यथा इट रिमेन्स नॉनसेंस, मन की भटकन, मन का भटकाव, मन के जाल, मन के भ्रम। ये मैं आपको ध्यान का अभ्यास करा रहा हूँ, ये मत सोचना कि प्रवचन कर रहा हूँ, उस दृष्टि से देखो।